जैब क्रॉस हुक। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको कहते हैं स्लिप। तो जैसे कि आपने देखा ये कितनी आसानी से बच गई, तो इसी तरीके आपको भी बचाने के लिए मैं लाऊंगा सेल्फ डिफेंस की और किक बॉक्सिंग की टेक्निक स्लिप, जिससे आप पंचेस को ऐसे स्लिप कर सकते हो जैसे कुछ भी नहीं मारा सामने वाले ने और अपने आप को बचा सकते हो। इस वीडियो पूरा जरूर एंड तक आपको देखना, तभी आप सही से सीख पाओगे स्लिप पंचेस को कैसे करना है आपको। मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हो मार्शल युग अकेडमी। मेरे इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, जो किक बॉक्सिंग का स्टांस आपको ले लेना, किक बॉक्सिंग का स्टांस मतलब, तो जब आपको क्या करना है, जो पंचेस आपने देखा ना सेल्फ डिफेंस में, आपने स्ट्रीट फाइट में क्या होता है सामने से ये हुक पंच मारते हैं, जो भट्टा जी ने कहते हैं ये साइड से मारते हैं ना दोनों, इनसे बचने का बहुत ही आसान है। और अगर आप कोई भी हुक मारता है, हुक पंच जो होते हैं उनसे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, चाहे स्ट्रेट पंच हो चाहे फिर हुक पंच हो, दोनों से आपको बता दूंगा कैसे बचना। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल हाथ को ऐसे डालूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रहा हूँ। तो कोई भी अपने दोस्त को ले लो, किसी को भी घर से, और हाथ को ऐसे जाना और आपको स्लिप करना, बस नीचे से प्रैक्टिस इसकी करनी है। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो सबसे आपको ये नहीं स्लिप करने के चक्कर में एकदम ये पूरा नीचे बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठना, आपको रेडी रहना अपने नेक्स्ट पंच के लिए, नेक्स्ट काउंटर के लिए। तो एक बार नीचे बैठना, जैसे बैठ जाते तो ये नहीं बैठना आपको पंच से बचने के लिए, पूरा नीचे बैठ गया मैं बचना ही था, उसमें क्या होगा आपके नी भी अटैक कर सकता है, किक भी मार सकता है, तो बहुत सारी टेक्निक सामने वाला फॉलो अप कर सकता है। तो इसके लिए आपको बस इतना नीचे जाना है कि आप पंच को सिर्फ बचा सको, अपने फेस को सिर्फ वहां से जगह से हटाना है आपको। तो एक बार फिर से जब मैं ये पंच आया तो ये सिर्फ नीचे से चले गया, पंच फेस जहां तक ड्रॉप करा साइड में फिर ऊपर आ गया फिर से। तो इसकी सबसे पहली जो आपको, तो सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, एक किसी भी अपोनेंट को, अपने दोस्त को, अपने घर से किसी को भी ले सकते हो, अगर कोई नहीं है तो एक स्टिक को ऐसे रख सकते हो जिसके नीचे से आपको बार बार निकलना है, आदत डालनी है अपनी बॉडी को कि मैं ज्यादा नीचे भी ना जाऊं और ज्यादा जल्दी से मैं निकल सकूं। तो ये स्लिप की प्रैक्टिस करनी है ऐसे, ठीक है। तो ये होगी सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चलते हुए स्लिप करना है सामने से, हल्का सा पीछे जाओ, अब चलते हुए स्लिप करते हुए आना आपको, और ऐसी सेम वापस, ठीक है। तो ये स्लिप करते हुए सेकंड उसमें क्या करना, प्रैक्टिस में आपको स्लिप करते हुए चलना है, चलना भी आना चाहिए आपको स्लिप करते हुए, ये नहीं कि बस खड़े खड़े स्लिप कर रहे। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेट पंचेस के लिए, स्ट्रेट पंचेस में स्लिप क्या करना, उसमें आपको बस अपनी जगह से साइड में जाना है, ये मूवमेंट ये इसमें देखो, जब बताया ना तो इसमें ये ऐसे इधर से, इससे नहीं झुकना आपको, ये स्टेप लेना साइड में, स्टेप ये स्टेप लिया, ये इधर से स्टेप लिया। तो अगर मैं जैब पंच कर रहा हूं तो जैब के साइड में जाना है, यहां से जैब पंच आया तो इधर को स्लिप करना आपको, राइट पंच आया तो राइट साइड को स्लिप करना, ठीक है। तो जैब ये स्लिप करके क्रॉस, ठीक है, जैब और मैंने वापस अपनी पोजीशन पे क्रॉस जैब क्रॉस। तो ऐसे अपने सामने वाले किसी भी दोस्त को, किसी को भी ले सकते हो, अगर दोस्त नहीं है तो एक पोल के साथ आपको साइड में स्लिप कर सकते हो दोनों साइड में। तो इसी तरीके से आपको सारे पंचेस की स्लिपिंग आ जाती है, चाहे वो आपको हुक पंच हो, भट्टा पंच हो, या फिर स्ट्रेट पंचेस आपका कोई अटैक करो, तो हर तरह के पंच से आप अपने आप को बचा सकते हो अटैक से। जितना आप अपने आप को बचा के रखो उतना ज्यादा आप सामने वाले पर अटैक कर पाओगे, सामने वाले की एनर्जी इतनी ज्यादा लॉस होती रहेगी और आप वहीं पे रेडी रहोगे उस पर और पावरफुल अटैक करने। तो एक बार मैं आपको स्पीड से दिखा देता हूँ, तो जैब क्रॉस और दोनों साइड से स्लिप करना आपको, ठीक है। तो जैब क्रॉस लेफ्ट हुक राइट हुक। तो अब आपने सारे तरह के स्लिप सीख लिए, चाहे वो हुक से हो चाहे दोनों स्ट्रेट पंचेस से हो, अब आपको स्पीड से करके दिखाने जा रहे हैं। तो जैब क्रॉस हुक हुक बहुत बढ़िया, अब पीछे को जाते जैब क्रॉस हुक हुक गुड, एक बार स्पीड से जैब क्रॉस हुक हुक गुड। फिर आपको इसी तरीके से स्पीड से प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं स्लो ही करते जा रहे, स्पीड भी बढ़ानी है आपको अपने सामने वाले अपोनेंट से, पंच कराओ अपने पार्टनर से किसी से भी, और फिर उसको स्पीड से ही डॉज करो, डॉज स्लिप करो डॉज करो दोनों एक ही है। एक बार फिर से लास्ट टाइम जैब क्रॉस हुक हुक गुड, जैब क्रॉस हुक हुक गुड। इसी तरीके से आज की वीडियो थी हमारी कंप्लीट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किक
किकबॉक्सिंग की 30 डेज में आपको सारी 30 वीडियोस के अंदर मैं आपको सारा किकबॉक्सिंग का बेसिक्स एकदम क्लियर करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो की सीरीज को जरूर देखना आपको। और इसी के साथ हमने सीरीज स्टार्ट करी अपने होम बिल्ड जिम की, बजट के अंदर आप अपना जिम घर के अंदर ही कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो जरूर उसको भी जाके देखो। और मिलते हैं आपको से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।